हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फ्रेंड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के अंदर सर्किल रेट कैसे निकाली जाती है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी डीएलसी रेट या सर्किल रेट या जिसे हम गाइडलाइन रेट गाइडलाइन वैल्यू भी बोलते हैं और कई बार कई जगह कलेक्टर रेट भी बोला जाता है, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो सीरीज चला रहे हैं जहाँ मैं सारे स्टेट्स की आपको डीएलसी रेट के बारे में बताऊंगा, सर्किल रेट के बारे में बताऊंगा। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड में डीएलसी रेट या सर्किल रेट कैसे निकाली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नॉर्मली आपको उत्तराखंड की सर्किल रेट जानने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना रहेगा सर्किल रेट रेट इन उत्तराखंड, ठीक है। ये सर्च करने के बाद ये ऊपर जो सबसे पहले लिंक आती है इस पर क्लिक करना रहेगा। ये जो लिंक है इसे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होके आता है जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्टाम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का। यहाँ पे आप देखोगे एक साइड में आपको यहाँ देखने को मिलेगा सर्किल रेट। यहाँ उत्तराखंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी सर्किल रेट दी गई है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, बागेश्वर, जो भी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब के डिस्ट्रिक्ट के सर्किल रेट के बारे में इस जगह लिंक ओपन होती है। किसी पे भी आप क्लिक करोगे तो आगे लिंक खुल जाती है। तो इसमें से आपका जो आप जिस एरिया की भी सर्किल रेट जानना चाहते हो, वो जिस जगह फॉल कर रही है, वो प्रॉपर्टी जिस एरिया में फॉल कर रही है, जिस डिस्ट्रिक्ट में फॉल कर रही है, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि कोई प्रॉपर्टी है जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो अभी हम हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे उसके लिए। अब हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में क्लिक करने के बाद हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी सर्किल रेट अपडेटेड हैं या जितनी भी सर्किल रेट गवर्नमेंट ने अपडेट की हुई है अपनी वेबसाइट पे, वो सारी ओपन होके आती हैं। तो यहाँ आप देखोगे 2012-13 की भी सर्किल रेट है, फिर 14-15 की है, फिर 16 की है, फिर 16 जून में अपडेटेड है, उसके बाद जनवरी 2018 में अपडेटेड है, और लास्ट जो अपडेटेड रेट है 13 जनवरी 2020 की है। तो आज के टाइम अगर आपको रजिस्ट्री वगैरह करवानी है, आपको आज की तारीख की सर्किल रेट जानी है, तो ये वाली देखी जाएगी जो है 13 जनवरी 2020, ये वाली ही रेट अभी वैलिड रहेगी। तो इसके लिए आपको सिंपली क्लिक करना रहेगा हरिद्वार रेट लिस्ट 13 जनवरी 2020। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से ये पेज ओपन होके आता है जहाँ पे देखा बताया जाएगा कि ये रेट कब पब्लिश की गई थी। यहाँ पब्लिश डेट आ जाएगा, उसके अलावा यहाँ जाएगी हरिद्वार रेट लिस्ट आ जाएगी, यहाँ डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ करंट हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट सर्किल रेट आ जाएगी। अगर आप करंट हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट सर्किल रेट पर क्लिक करते हो तो वो पहले वाला पेज ओपन होके आता है जहाँ पे सारी करंट अभी वैलिड हैं 2012-13 में जो हुई थी। आज की तारीख में जैसे मैंने पहले बताया था 13 जनवरी 2020 वाली वैलिड रहेगी। तो अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आपको किसी भी एरिया की सर्किल रेट देखनी है तो आपको उस पर क्लिक करना रहेगा डाउनलोड फाइल पर। तो यहाँ से आप वो फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो फाइल डाउनलोड होने के बाद इस तरह से कुछ PDF ओपन होके आती है। तो PDF ओपन होने के बाद जैसा कि सर्किल रेट में आपने देखा, उत्तर प्रदेश की सर्किल रेट की मैंने वीडियो बनाई थी, मध्य प्रदेश की सर्किल रेट की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी जो सर्किल रेट है वो इसी तरह से निकाली जाती है कि एक PDF डाउनलोड होता है, उसके बाद में सर्किल रेट निकाली जाएगी, ठीक है। इसको करने के बाद हम एक बार पेज को रोटेट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये PDF ओपन होके आती है जहाँ सब जगह की सर्किल रेट दी गई है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि हरिद्वार तहसील के आने वाले अंतर्गत आने वाले प्रमुख मार्गों की दरें, तो यहाँ पे रोड के बेसिस पे रेट बनाई हुई है कि इस रोड से इस रोड पे आने वाली प्रॉपर्टी, वो तो आगे बढ़ता जाएगा। तो बार्ड मोहल्ले कॉलोनी के नाम पर तहसील हरिद्वार के नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर क्षेत्रों के अंदर क्षेत्रों की दरें, तो इसकी हर एक एरिया की एक अलग तरीके से रेट दी गई है कि तहसील हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों की दरें। तो अब जैसे कि मानो कोई प्रॉपर्टी है अपने जैसे तहसील हरिद्वार अंतर्गत स्थित प्रमुख मार्गों की दरें, मतलब कि इस हरिद्वार तहसील के अंदर जो प्रमुख मार्ग हैं, रोड हैं, उसमें आने वाली प्रॉपर्टियों के रेट देखी जाए। तो यहाँ देखा प्रमुख मार्ग का नाम लिखा हुआ हरिद्वार ऋषिकेश बाईपास रोड जनपद हरिद्वार सीमा प्रारंभ से दूधाधारी चौक तक। तो यहाँ पे आप देखोगे अकृषि भूमि की पर स्क्वायर मीटर 33,000 है पर स्क्वायर मीटर, सड़क से 50 मीटर की दूरी तक, सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक 29,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। इस तरह से ही बहुमंजिली आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट की स्क्वायर मीटर में रेट दिखाई हुई है। इसी तरह से बाकी रेट दी गई हैं। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि देखा था कि नगर परिषद नगर पालिका के अंतर्गत
आने वाली नगर निगम क्षेत्रों की दर है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आती हैं उसकी भी सर्किल रेट दी गई है, जैसे सप्तऋषि है, भूपतवाला है, दुर्गानगर है, ये सारे जो है नगर परिषद के अंडर आते हैं। वहीं नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर क्षेत्रों की दर है उसकी भी दी गई है, वार्ड नंबर 1 शिवालिक नगर कलेक्टर PKL, ये भी आकृषि भूमि प्रति स्क्वायर मीटर 20,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर, बहुमंजिली आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट, या फ्लैट की जो रेट दी जाती है सुपर बिल्टअप एरिया पे दी जाती है जो कि पर स्क्वायर मीटर में होती है, तो यहाँ 32,000 पर स्क्वायर मीटर सुपर बिल्टअप एरिया पे फ्लैट की रेट चल रही है। उसके अलावा कमर्शियल प्रॉपर्टी की भी रेट है और गैर वाणिज्य भवन की भी रेट दी गई है। इसी तरह आप आगे देखोगे तो रूरल एरिया की भी रेट आ जाएंगी, ग्रामीण क्षेत्रों की भी रेट आ जाएंगी, इंडस्ट्रियल एरिया की रेटें आ जाती हैं, इसी तरह से अलग अलग रेट दी गई है। तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट की किसी भी एरिया की सर्किल रेट इस तरह से जान सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो थैंक यू गाइस।